बहुत बहुत स्वागत है आज के विमशोत्री महादशा के इस विशेष कार्यक्रम में। हम लोग सूर्य से लेकर और राहु केतु पर्यंत विमशोत्री महादशा साथ में अंतर दशाओं पर चर्चा कर रहे हैं। आज हम राहु की बात करेंगे। देखिए, राहु की दशा आपके जीवन में कैसे फल देती है और कैसे उसमें अंतर दशाओं का परिणाम रहता है, इस पर हम बात करेंगे। क्योंकि राहु की महादशा बड़े लंबे समय तक चलती है, 18 साल तक। ऐसे में बहुत सारे लोग भयभीत रहते हैं कि क्या राहु की दशा खराब रहती है, या फिर कुछ लोगों का कहना है कि राहु की दशा शुभ रहती है। तुम कैसे माने, इसका सिद्धांत क्या है? हालांकि जब मैंने पिछली बार विमशोत्री महादशा के क्रम में आपको समझाया था, तो मैंने पाराशर होरा शास्त्रम, इस दिव्य पुस्तक कि मैंने एक एक श्लोक के माध्यम से आपको समझाया था, लेकिन फिर भी बहुत सारे प्रश्न जो मैं लगातार देखता हूं कमेंट के माध्यम से, मैं उन प्रश्नों को आज क्लियर करना चाहूंगा। कैसे दशा फल देती है, हमें जन्म कुंडली में राहु को देखना होगा, साथ ही जिस ग्रह की अंतर दशा आ रही है उस ग्रह की स्थिति कुंडली के अंदर क्या है उसको भी देखना और समझना अत्यंत आवश्यक हो जाता है, तब जाकर के हम उसके फल को समझ पाएंगे। मैं इस चर्चा को शुरू करूं, इससे पहले निवेदन रहेगा, अगर आप नए दर्शक हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि अध्यात्म है, ज्योतिष है, या हस्तरेखा या अन्य भी जो ज्ञानवर्धक चर्चा है वो आप हमारे चैनल पर देख सके। देखिए, आज हम जब राहु महादशा की बात करेंगे तो सबसे पहले हम राहु की बेसिक चीजों को समझ लेंगे। राहु जब भी जीवन काल में दशा के रूप में आती है तो व्यक्ति को कैसे फल देती है। देखिए, यहां पर राहु का आधिपत्य कहां कहां है। राहु छल है, एक छाया ग्रह है। राहु भ्रम की स्तुति है, अंधेरे में रस्सी से सांप का बोध होना भ्रम है, ये राहु है कुछ लेकिन हम कुछ और समझ रहे हैं। कहा कुछ गया था लेकिन उसके अर्थ कुछ और निकल गए, या कहने वाले ने जिस अभिप्राय से कहा हमने उसको कुछ और रूप से समझ लिया, या हमारे सुनने में गलती हो, बड़ा फेरबदल, बड़े धन आने के योग या बड़ी धन हानि, दोनों ही राहु। विदेश यात्राओं में राहु का रोल है, बहुत विशेष रूप से आर्थिक हानि और आर्थिक लाभ दोनों राहु के पीरियड में देखे जा सकते हैं। इतना बड़ा अंतर कैसे हो सकता है, यही जानने की आज हम कोशिश करेंगे और इसी पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, हमेशा से जब राहु खराब होता है व्यक्ति को आकस्मिक भय सताता है, मानसिक चिंताएं सताती हैं, व्यक्ति डिप्रेशन में रहता है, राहु खराब होने के लक्षण है। जिनके कुंडली में राहु अच्छा होता है वो निडर निर्भीक होते हैं, साहसी होते हैं, शूरवीर मंगल भी इसमें देखा जाता है, लेकिन राहु यदि अच्छा है तो व्यक्ति भ्रम में नहीं पड़ता। राहु यदि जन्म कुंडली में अच्छा है तो व्यक्ति बाहुबली होता है। स्पष्ट सूक्ति राहुर बाहुबलम करोत सततम, का वह नियमित रूप से व्यक्ति के बाहुबल को बढ़ाता है। दान का पारा वह जो है राहु की महादशा में होती है, राहु का चैप्टर जो अच्छा होता है उसमें होता है। गोचर में राहु आते हैं तो वारे न्यारे कर देते हैं। तो ये सब चीजें हमें राहु का अच्छे और बुरे पर निर्भर करता है। राहु खराब है तो बुद्धिया विहीन मत विभ्रम सर्व शून्य, अगर राहु खराब है तो मति भ्रम हो जाएगा, सब शून्य हो जाता है। विश्वम भयादि विश्वर में व्यक्ति को भय लगने लगता है, ये राहु के नियम है। तो यहां पर जो है बलवान राहु निडर व्यक्ति को बनाता है, राजनीति में अच्छी पैठ बनाता है व्यक्ति के। बड़े बड़े आपने जो राजनीतिक पदों पर देखे होंगे उनका राहु बहुत अच्छा होता है, शत्रु को जीतने का काम करता है राहु, छल बल से धन कमाने की नीतियों पर काम करता है राहु। बड़े बड़े बिल्डर्स, बड़े बड़े प्रॉपर्टी डीलर, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन वाले जो है सब राहु उनका बड़ा अच्छा होता है, बड़े उद्योगपतियों को। इसलिए जो है राहु को हमें यहां पर समझना बहुत आवश्यक हो जाता है कि राहु किस रूप में फल देता है। हम क्रमशः है इसके विमशोत्री महादशा और अंतर दशा पर बात करेंगे, इसके शुभ अशुभ लक्षणों को थोड़ा सा यहां पर कुछ श्लोक के माध्यम से समझ लेते हैं। पाराशर होरा शास्त्र कहता है कि मित्र प्रभावादिष्टम वाहनम पुत्र संभव नूतन ग्रह निर्माणम धर्म चित्ता
चिंता महोत्सव, ये इसका अच्छा फल बताया। का मित्र बढ़ते हैं राहु शुभ हो तो, राहु की महादशा है तो नए नए लोगों से मैत्री स्थापित होती है और उनसे लाभ लेता है। शुभ राहु की महादशा का फल है। वाहन पुत्र संभव, व्यक्ति वाहन जुटाता है, प्रॉपर्टी जुटाता है और पुत्र पौत्र आदि लाभ प्राप्त होते हैं। नूतन भवन निर्माणम, नूतन गृह निर्माण व्यक्ति कराता है, नया मकान का सुख मिलता है। और धर्म चित्ता महोत्सव, व्यक्ति धर्म अंदर से करे ना करे लेकिन धर्म का आवरण ओढ़ करके व्यक्ति काम कर लेता है, उसमें सूझबूझ और सहज सहभागिता उसकी देखी जा सकती है, चाहे वो अपने नाम के लिए ही वहां रसीद कटाए लेकिन वो जाकर कटा देगा। ये राहु का लक्षण है, चाहे वो लोगों को दिखाने के लिए करे लेकिन घर में बड़ा अच्छा महोत्सव करा करके सबको पार्टी करा देगा, तो वो राहु जो है उसको सुख फल देगा क्योंकि लोगों को खिलाएगा पिलाएगा तो उस तो दोष खत्म हो गए, ये उसका अच्छा। विदेश गमन सम्मानम, वस्त्रालंकार अलंकार भूषणम, विदेश यात्राएं होती हैं, वस्त्र अलंकार का लाभ मिलता है और व्यक्ति राज सम्मान प्राप्त करता है राहु की दशा में। और अशुभ फल क्या है? का पाप ग्रह संबंधे मारक ग्रह संयुते, अगर वह पाप है, पाप युक्त है, पाप तो पाप ग्रह तो ऑलरेडी है ही, लेकिन पाप ग्रह का संयोग उसको और मिल गया तो जैसे के साथ तैसा फल देगा, ठीक है ना। और पाप ग्रह के साथ में मारक ग्रह संयुते या मारक ग्रह का संयोग उसको प्राप्त हो गया, या नीच राशि गते वापी स्थाने भ्रंश मनो सज्जनम, अगर उसको नीच राशि में चला गया या नीच राशि के नीच ग्रह के साथ वो पड़ गया तो वहां पर सब सत्यानाश कर देगा। का क्या है? मानसिक शारीरिक कष्ट होगा, पुत्र पौत्र आदि जो है अपमान उसको झेलना पड़ सकता है, उनका कहीं ना कहीं उनके कारण से वो दुखी हो सकता है, ये सब उसको वहां पर मिलेंगे। बुद्ध्या विहीन मति विभ्रम सर्व शून्यम, विश्वम भयात विश्वपाद मृत्यु तुल्यम, व्याधिम वियोग धन हानि विषानि चेव राहुर दशा सृजत जीवति संशयः। का व्यक्ति मनोदशा जो है व्यक्ति की बिगड़ जाती है और विषाद तुल्य व्यक्ति हो जाता है, मानसिक जो है परेशान होता है, व्याधियां आने लगती हैं, वियोग का जो है कष्ट सहन करना पड़ता है, धन हानि है, शस्त्र से घात हो सकता है, विष आदि जो है उसको कोई प्राप्त खिला सकता है, ये सब चीजें जो है राहु के इस दशा काल में देखा जा सकता है अगर राहु खराब है। राहु में राहु होगा, राहु अच्छे हैं, शुभ फल प्रदान कर रहे हैं, तो राहु में राहु की दशा आदमी को बहुत उच्च पदों तक लेकर जाती है, व्यक्ति को अच्छा धन लाभ होगा, और राहु खराब है तो धन नाश करा देगा, ठीक है ना। विदेश यात्रा, विदेश गमन, अच्छे लोगों का संयोग जो है राहु की दशा काल में, नए नए मित्र मिलेंगे और वहां से व्यक्ति आगे बढ़ सकता है उनके बल पर। राहु में बृहस्पति आने पर बहुत ज्यादा शुभ नहीं है, ये दुख व्याधि परित्यक्त व्यक्ति के जीवन में क्लेश अनेक प्रकार की हानियां ये दे सकता है, लेकिन अगर बृहस्पति अच्छे बैठे हुए हैं और बृहस्पति के साथ या उनकी राशि में संयोग है तो व्यक्ति को अच्छी जो है उच्च पद तक भी पहुंचा सकता है, ट्रांसफर के काम है या फिर प्रमोशन है वो यहाँ पर दिला सकता है, नए नए मित्र का संयोग हो सकता है, विदेश जाने के संयोग बन सकते हैं, अतीव धन कमाने के मार्ग यहाँ पर खुल सकते हैं। वहीं राहु में शनि चलेगा तो रक्त पीड़ा का है, रक्त पीड़ा कृता क्लह स्वजने सह, यह व्यक्ति को कहीं ना कहीं रक्त पीड़ा दे सकता है, ब्लड में इंफेक्शन हो सकता है, मानसिक व्यक्ति थोड़ा सा परेशान हो सकता है, कलह क्लेश की स्थितियां बन सकती हैं, लेकिन फिर भी घटना दुर्घटनाओं के साथ जुड़कर भी व्यक्ति इस दशा काल में आगे निकल सकता है, शनि अच्छे बड़े उच्च पदों तक पहुंच सकता है, ये उच्च पदों पर बैठे हुए लोगों से लाभ भी ले सकता है अगर शनि जन्म कुंडली में अच्छे बैठे, धन कमाने के प्रचुर मात्रा में धन कमाने के अवसर मिलेंगे, कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी का लाभ मिल सकता है, वाहन का लाभ मिल सकता है, तो ये शनि की दशा में उसको मिल सकता है, लेकिन सावधान रहने की भी आवश्यकता है, दुर्घटनाओं से भी संयोग बना रह सकता है। राहु में जब बुध चलेगा तो यहां पर बुध के सुहृद बंधुजनों वियोगम बुद्धिम योगम धन धन धनागम वंचित क्लेश मापनोति, अगर राहु के साथ बुध चलेगा और बुध अच्छा है तो आप ये मान के चलें बिजनेस में व्यापार में आपको बहुत अच्छी जो है अच्छी खासी यहाँ पर लाभ की स्थिति बना सकता है। विदेश या विदेश से ट्रम्स जिनके जुड़े हुए हैं
उन लोगों को विदेश से अच्छा लाभ यहां पर बुध की दशा दिला सकती है। राहु के अंदर व्यक्ति को व्यापार के लिए नई नई युक्तियां लगाकर व्यक्ति व्यापार कर सकता है, राजनीतिक लाभ ले सकता है, यह राजनीतिक जो लोग हैं उनसे व्यक्ति लाभ ले सकता है, वाणिज्य में, बैंकिंग सेक्टर में उससे अच्छा लाभ मिल सकता है, जो इन इन सेक्टरों में जुड़े हुए लोग हैं उनसे लाभ मिल सकता है। इसके अलावा आप बात करें तो कहीं ना कहीं बुध अगर प्रतिकूल है या फिर राहु के साथ चंद्रमा आदि बैठे हुए इस प्रकार के योग हैं तो ये मानसिक संताप व्यक्ति को देता है, उसके लिए राहु बहुत ज्यादा शुभ नहीं है, उसके साथ बुध बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता, चार्ट का संबंध है तो थोड़ा सा और खराब होगा। अगर राहु में केतु चलेगा तो यहां पर जो है सिर ज्वर की स्थिति को देखा जा सकता है, अग्नि का भय, शत्रुओं के द्वारा पीड़ा, ये यहां पर देखा जा सकता है, लेकिन ये अच्छे होने पर व्यक्ति अनिष्टकारी स्थितियों से भी बाहर निकल करके व्यक्ति एक नया परचम लहरा सकता है, धार्मिक यात्राएं व्यक्ति के जीवन में देखी जा सकती है, धार्मिक कृत्य देखे जा सकते हैं, आगे बढ़ने के लिए अति परिश्रम से व्यक्ति बहुत ज्यादा जो है उच्च पदों तक पहुंच सकता है, उच्च शीर्ष पदों पर बैठे व्यक्ति उनसे लाभ ले सकता है। तो इस प्रकार का फल मिला जुला जो है राहु में केतु को देखने को मिल सकता है। राहु में शुक्र चलेगा तो विशेषकर विपरीत जेंडर के प्रति आकर्षण बढ़ेगा, उसमें सावधानी की स्थिति रखनी चाहिए, बदनामी का डर हो सकता है, मित्रों का सहयोग तो मिलेगा, काम उत्तेजना जैसे मैंने कहा वो बढ़ती भी नजर आएगी, इसलिए सावधानी भी यहां पर रखना है, मित्रों का सहयोग भी यहां पर मिलेगा, स्त्री पक्ष लाभ भी आप ले सकते हैं, लेकिन आपको सचेत भी रहने की आवश्यकता है, आप उन्हीं के बल पर आगे ही बढ़ सकते हैं, अपने पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो उसमें आप अच्छा लाभ ले सकते हैं, पार्टनर के द्वारा लव पार्टनर लाइफ पार्टनर का सहयोग आपको मिलेगा, धन संचय आप अच्छा कर सकते हैं, नया स्टार्टअप आप तैयार स्टार्ट कर सकते हैं, उस समय ये जो आप जिस काम को कर रहे हैं उसमें लाभ ले सकते हैं, लेकिन आपका परिश्रम बढ़ेगा, धैर्य पूर्वक और विवेक और बुद्धि से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, अपने वाणी का संयम रखना पड़ेगा, मन वाणी के संयम से और कर्म कुशलता से कार्य कुशलता से आप आगे बढ़ सकते हैं राहु में शुक्र के अंतर। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, राहु में सूर्य चलेगा तो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता, ग्रहण योग की स्थिति बन जाएगी, मानसिक संताप तो यहां पर मिलेगा, लेकिन पांचों का संबंध होगा तो आपको आगे बढ़ने के अवसर भी मिलेंगे, आपके बिगड़े हुए काम संवरने का भी काम करा सकते हैं, अगर जन्म कुंडली में भी सहयोग है राहु सूर्य साथ बैठे हुए तो मान प्रतिष्ठा की हानि हो सकती है, आपको अचानक मानसिक संताप सता सकता है, पुत्र से या पिता से पिता पुत्र से दोनों का आपस में विवाद हो सकता है, चोरों का भय हो सकता है, अग्नि का भय हो सकता है, ये आपको जो है या राजनीतिक पूर्वाग्रह के चलते आप जो है बदनाम हो सकता है, राजनीतिक दंड आपको प्राप्त हो सकता है, राजा की नीति के विरुद्ध आप काम कर सकते हैं, वहां से आपको अपमान झेलना पड़ सकता है, राजदंड का भय बना रहता है, जेल जाने के चांस बन जाते हैं, इसलिए अपने मन वचन और धैर्य से आप आगे बढ़ें और सूर्य की दशा में भगवान सूर्य को अर्घ देना बिल्कुल ना भूलें और आदित्य हृदय स्तोत्र और हनुमान चालीसा पढ़ना ना भूलें, सुबह आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ें और शाम को हनुमान चालीसा या बजरंग बाण पढ़ें तो यह दशा काल आपका अच्छा प्रभाव दे सकता है। राहु में चंद्र चलेगा तो यह भी बहुत शुभ नहीं है, विशेषकर स्त्री पक्ष की चिंता सताएगी आप, जिन लोगों के विवाह नहीं हो रखे उनको उस प्रकार सजाएगा, जिनके हो रखे उनको कला कलेश मान पर दे देगा, चंद्रमा शुभ है तो वहां पर अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है, तो ये चीज यहां पर देखने की बात है। कलंक का व्यक्ति को जीवन में काल में ऐसे मिलता है, वित्त का नाश देखा जा सकता है, ठीक है, और राहु में मंगल यह बहुत शुभ नहीं है, यह दुर्घटनाजन्य योग बनाता है, शस्त्र से जो है व्यक्ति को पीड़ा देता है, चोरों का भय देता है, राहु की महादशा में जब मंगल की महादशा है तो व्यक्ति को दुर्घटनाओं से बचकर रहना चाहिए, दुर्घटनाओं जन्य जो है योग की जो है उस समय कहीं ना कहीं स्थितियां बनती हैं और दुर्घटनाओं का कहीं ना कहीं आसपास भय बना रहता है, इसलिए सावधान रहना चाहिए, ऐसी दशाओं में सजग रहना चाहिए।
और हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से वास्तव में करना चाहिए। तीन मुखी रुद्राक्ष ऐसी स्थिति पहनना बहुत शुभ होता है जब राहु की मादशा चल रही है। जब भी आपको लगे कि राहु की मादशा चल रही है, राहु में संकट आ गई है, इस प्रकार की स्थितियां जब भी बनती हैं, तो व्यक्ति बहुत अच्छे रफ्तार से चल रहा हो तो भी व्यक्ति नीचे गिर सकता है। ऐसे में क्या करना चाहिए, इन लोगों को दुर्गा सप्तशती का पाठ और महामृत्युंजय, तो ऐसे अनुष्ठान है जो मिलाकर संयुक्त रूप से करना चाहिए, बड़े से बड़े संकट और भय से व्यक्ति मुक्त हो सकता है।